अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और मैं लाया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन मुजर्रब नक्श जिसका नाम है नक्श दुआए हिजबुल बहार, यानी कि हर काम में कामयाबी के लिए बेहतरीन मुजर्रब नक्श। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा करके हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं करता है, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी स्क्रीन पर जो ये नक्श नज़र आ रहा है बहुत ही बेहतरीन मुजर्रब नक्श दुआए हिजबुल बहार का हर काम के अंदर कामयाबी के लिए, रिज्क में बरकत और तमाम तरह की परेशानी को दूर करने के लिए, जैसे कि रिश्ते की बंदिश, जिन्नात का सताना, जादू का होना, लाइलाज बीमारी से शिफा पाने के लिए अलगर्ज ये नक्श हर काम के लिए मुजर्रब व आजमूदा है। दोस्तों, याद रहे कि इस नक्श की तारीफ करना छोटा मुंह बड़ी ही बात। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस नक्श को जिस मकसद के लिए, जिस जायज काम के लिए लिखेंगे और लिख करके जो है इस्तेमाल में लाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जायज़ मकसद में जो है आपको जो है कामयाबी मिलेगी। मुजर्रब है, मुजर्रब आजमूदा इस्तेमाल कीजिएगा, फ़ायदा उठाइएगा। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपको नक्श लिखने का पूरा तरीका समझाता हूँ, बाद में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये नक्श लिखना आपको वेडनेसडे यानी कि बुध के दिन नक्श लिखने का जो टाइम रहेगा दोस्तों वो सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में आप कभी भी लिख सकते हैं। नक्श लिखने से पहले दोस्तों गरीब गुरबा में सदका वगैरह ज़रूर तकसीम कर देना, घर में के छोटे बच्चों को उनके पसंद की चीजें जरूर खिला देना। नक्श लिखने से पहले दोस्तों आपका बावजूद जिस्म लिबास का पाको साफ होना जरूरी है, जिस जगह नक्श बैठ करके लिखेंगे उस जगह का भी पाको साफ होना जरूरी है। उस जगह किसी जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, कमरे के अंदर कोई हाइजा एम सी ब्रेड वाली औरत हरगिज मौजूद नहीं होनी चाहिए। तनहा नक्श बैठ करके लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, इसमें आपको रूहानी कुव्वतों की मदद हासिल होगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको जूम करके नक्श लिखने का पूरा तरीका आसानी के साथ समझा देता हूँ, बहुत ही आसान सिंपल है। इस तरीके से आपको 16 खाने आपको बना लेने, फिर उसके बाद में यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको लिख देना। दोस्तों, फिर अंदर के आदाद पुर करने हैं। इस मिसाली नक्श के साथ में चाल शुरू होती है यहाँ से, तो यहाँ पर आपको 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है तो 1 की जगह आपको जो है 15063 और 2 की जगह आपको 25063, 3 की जगह आपको 35063, 4 की जगह 45063, 5 की जगह 55063, 6 की जगह 65063, 7 की जगह जो है 75063, 8 की जगह जो है 85063, 9 की जगह 95063, 10 की जगह जो है आपको 06063 और 11 की जगह जो है आपको 16063 लिखना है और 12 की जगह 26063 लिखना है, 13 की जगह 46063 लिखना है, 14 की जगह 56063 लिखना, 15 की जगह 66063, 16 की जगह जो है 76063। बस इस तरीके से दोस्तों आप नक्श लिख लें। लिखने के बाद में दोस्तों आपका जो भी मकसद हो वो मकसद जो है नक्श के नीचे आप लिख दें। अगर कोई जायज़ मकसद है वो आप अपना लिख दें। मोहब्बत का अगर है तो दोस्तों मोहब्बत के लिए जो है पहले आप अपना नाम लिख दें, फिर उसके बाद में जो है अला हुब लिखें, फिर उसके बाद में आप अपनी बीवी का नाम लिख दें ना, जिस तरह से आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है अलहुब फला बिन फला अला हुब फला बिन फला। तो पहले आप अलहुब के बाद में अपना नाम, फिर फला की जगह अपना नाम, बिन के बाद में अपनी माँ का नाम, अला हुब के बाद में जो है जिसके लिए लिख रहे हैं है ना उसका नाम है ना, फिर उसके बाद में अगर है औरत तो बिन, अगर मर्द है तो बिन लिखना है, फिर उसके बाद में जो है आपको उसकी माँ का नाम लिख देना है। फिर उसके बाद में क्या करना दोस्तों आपको जो है इस तरीके से जो है आपको तावीज़ बना लेना है, ग्रीन कलर के कपड़े के अंदर पैक कर लेना, ग्रीन कलर ही के तागा आपको लपेट देना और अपने सीधे बाजू पर बांध लेना। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस नक्श की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के लिए आपने लिखा उस मकसद में आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। अगर हो सके तो दोस्तों एक मरतबा दुआए हिजबुल बहार जो आसानी के साथ आपको जो है मिल जाएगी, ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है वो दुआ पढ़ करके इस पर दम कर देना, तब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस नक्श का जो है असर और भी बहुत जल्दी होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को लाल कलर का बटन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद वाला आइकन यानी कि घंटे का बटन ज़रूर दबा दें। हमारी जो मेहनत का फल है वो आपके लाइक के बटन पर दबाना है। सवाब की नियत से इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ आपकी व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर देना, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए। अगर आप हमको अपनी कीमती राय या मशवरे से अगर नवाजना कर चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर हमें ज़रूर लिख करके बताएँ। मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।